मेरे ऊपर मेरी शर्ट के ऊपर शराब गिरा दी है। यहाँ पे ये सारे भाई सूडान वाले हैं, ये देख। सही वाला खजल किया उसने, कहा पाकिस्तानी हो, मैंने कहा, उसने कहा जाके बैठ जाओ। दोनों कंट्रीज का जो इमिग्रेशन है ना वो एक ही बिल्डिंग में है। ये देखो दमकार है, खुली बदमाशी की दुनिया में यार। शरीफ नाट शबीर। निकलो निकलो, उसने पत्थर उठा लिया भाई और उसने ईंट उठा ली। ये देखे यार, ये चेक पोस्ट में रुके हुए, ये सामने पुलिस वाले हमसे रिश्वत ले रहे हैं। ये लोग जो है ना पैसे के लिए बंदा भी मार देते हैं, जैसे अशरफ शरीफ। फाइनली जो है मैं नैरोबी केन्या में पहुंच आया हूं जी। अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। बड़ी तेज बारिश चल रही है, अभी सुबह सुबह का टाइम है जी, फजर की अजान अभी नहीं हुई और मुझे यहाँ से निकलना है सीधा। हेलो, ओपन दिस। अभी यहाँ से होटल से मैं निकल रहा हूँ अपने, मुझे बस पकड़नी है मोयाले के लिए और मोयाले से मैं आगे केन्या की तरफ जाऊंगा। खैर नाज़रीन, अभी बसों के लिए मैं जा रहा हूँ भाई, बारिश होती रही है। मोयाले फाइनली जी बस मिल गई। अभी तक मैंने कंघी नहीं की थी, नहाया था, तो वैसे भाग के इधर आ गया यार। रात को मैंने आपको बताया, शायद पिछला व्लॉग आपने देखा, बहुत एक अफसोसनाक बात हुई कल यार। मेरे बैग से ना तकरीबन $500 जो है वो निकल गए थे यार, बहुत ही अफसोस की बात है यार ये वाली तो। और वो टूर गाइड ने निकाल लिए, ऐसे कमीने लोग हैं यार ना यार, इन पे भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपने सामान की हिफाजत वाकई खुद कीजिएगा यार। अभी ये गाड़ी खड़ी है भाई, ये भाई ये देखें, वैसे बस स्टेशन तो उधर है भाई, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पर आके रुक गई है। अब ये मोयाले लेके जाएगी, मोयाले मेन बॉर्डर है केन्या का ना, तो आज हम इंशाल्लाह केन्या में इंटर हो जाएंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, फजर अभी नहीं हुई भाई, 5 बजे गाड़ी ने वैसे निकलना है, तो यहाँ पे हम रुके हुए। ये देख, ये देखकर बसें भी यहाँ पे खड़ी हैं, ये वाली बस भी खड़ी है भाई। यार बस के अंदर बड़ा बुरा हाल है, हर किसी ने ना वो होता है ना भाई चारा वगैरह खुशक वो और भूसा, वो बड़े बड़े डब्बों में भर के उसमें अंडे भर भर के हर सीट के नीचे रखे हुए हैं, पाँव रखने की भी जगह नहीं, हर जगह बसें भरी हुई और इतनी स्मेल आ रही ना भाई अंदर लोगों से कि अंदर बैठा अपनी जा रहा, 2 मिनट इसलिए भाग के जल्दी से बाहर आया हूँ। कोई नहीं, अभी थोड़ी जल्दी मेरी स्मेल ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अभी भाई बस के अंदर ही चल के बैठते हैं यार, बाहर तो हल्की हल्की बारिश लगी हुई है। आपको पता है यहाँ पर मानसून चली रहती है, यहाँ पर बारिशें लगी रहती हैं। यार 4 बजे के हम यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है 6 बजने वाले, 2 घंटे हो गए, बस अभी तक जो है ना रोड पे खड़ी है, उसी अड्डे से निकल गई, यहाँ से चली ही नहीं अभी तक। इवन के लोग भी फुल हैं, आप देख सकते हैं लोग बस के अंदर खड़े हो गए भाई, लेकिन बस नहीं चली अभी तक। ये लोग, इन्होंने बताया 5 बजे का टाइम था, लेकिन 1 घंटा ऊपर हो गया अभी तक गाड़ी नहीं निकली। अफ्रीका में ये चीज़ आम है, बताते कुछ है होता कुछ है, अगर यहाँ पे 1 घंटा कहा जाए ना तो 3 घंटे समझा करें, इस तरह करते हैं ये लोग। बैग रखने की स्पेस भी नहीं थी भाई, बैग ही गोद में उन्होंने रखने पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है जी, और पीछे हमारी गाड़ी देख सकते हैं, आगे काफ़ी लोगों की लाइन भी लगी हुई है। तो यार सीन ये है कि अब भी हम केन्या की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे रस्सा बांधा हुआ है पुलिस ने, ये पुलिस चेक पोस्ट है बेसिकली। तो जब भी हम बॉर्डर की तरफ जाएँ या किसी भी कंट्री में, किसी भी बॉर्डर एरिए में आप अफ्रीका में फिर रहे हो ना, तो वहाँ पे चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्मगलिंग वगैरह ऐसे मामला बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। तो इनका तरीकाकार ये है कि सभी लोगों को बगैर सामान के ना गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं, और फिर सामान गाड़ी में पड़ा रहता है, उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद जो है ना फिर गाड़ी को भी आगे गुजार लेते हैं। यहाँ पर पब्लिक चेकिंग तो नहीं होती, लेकिन बस सामान की होती है, ताकि कोई लोग कोई चीज़ स्मगल तो नहीं कर रहे, बस वो मेक श्योर करने के लिए। अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है, ये प्रोसेस है कि सारी आवाम को बाहर निकाला जाता है इसमें। ये लोग हंस रहे हैं इस वजह से कि मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ। ये कंडक्टर बहुत आरामी है भाई, अभी आया, पहले बोला 400, और साथ वाले से मैंने पूछा, कहता नहीं 350, मैंने कहा ज्यादा क्यों ले रहे हो, फिर दांत निकालने लग गया। तुम बहुत आरामी हो बेटा, सुधर जाओ। मकामी लोग फ्रेंडली हैं, कुछ मसला नहीं है, अब तो हम यहाँ पे एडजस्ट हो गए, फील ही नहीं होता कि कहीं नई जगह पे जा रहे हैं या नई जगह पे बैठे हुए हैं, सेम वही चीज जैसे अपने मुल्क में फिर रहे हैं, कोई नई बात ही नहीं है। पिक्चर भी दो भाई, ये देखें यहाँ पे इनका सुबह सुबह नाश्ते का टाइम हो गया है, ठीक है जी। ये देखें ये यहाँ पे बैठ के ऐसे शुरू हुए हुए हैं ना, जैसे इनको बहुत जल्दी, ये देखो तारीख है।
साथ हमने शराब की बोतल छोटी सी पकड़ी और साथ में नाश्ता हो रहा है। कम ऑन मैन, हरी अप। ये देखें यार कैसे खा रहे हैं। ये साथ वाला बगैरत का बच्चा, मैं इसको गाली ना दूं तो और क्या बोलूं। शराब पी रहा था, मेरे ऊपर, मेरी शर्ट के ऊपर शराब गिरा दी। मैंने नमाज भी पढ़नी होती है यार। अब ये क्या होगा यार यहाँ पे। ये बड़ी मुसीबत है अफ्रीका में ट्रेवल करना। ये देखो गोदी में शराब की बोतल रखी हुई, मेरे ऊपर गिरा दी यार। भाई मोयाले पहुंचने वाले, ठीक ठाक सॉन्ग लगा रखा है और तकरीबन 12:40 हो गए। दोपहर का टाइम भी गुजर गया है। 140 किलोमीटर था, इतना टाइम लगा दिया इन्होंने। खैर अभी ना पीछे चेक पोस्ट पे उन्होंने रोका था, हमारे पासपोर्ट चेक किए। हमने हमेशा सुना था कि ये जो बॉर्डर एरिया है ना, इसमें बहुत ज्यादा करप्शन होती है अफ्रीका में। यहाँ पे सोडा नाम के एक चलता है कि सोडा दो यानी पैसे दो। लेकिन भाई हम बहुत ही जो है ना सेटिस्फाइड है उनके बिहेवियर से। उन्होंने बाहर बुलाया, उनके अपने पासपोर्ट दिखाए, पासपोर्ट देखे, मुद्दत चेक की, कहते कोई मसला नहीं आप जाएं, मोस्ट वेलकम। उन्होंने कहा पाकिस्तान से, मैंने कहा जी, कहते वेलकम। यार कोई बुरा बिहेवियर नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ भी नहीं यार। बड़े अच्छे अखलाक के साथ वो जो ऑफिसर था इनका, उसने पासपोर्ट चेक करके उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं आप जाएं। कुछ भी नहीं, मतलब मुझे इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा बिहेवियर मिलेगा मुझे यहाँ पे, पर बहुत पॉजिटिव था। लेकिन अभी आगे जाते किनिया बॉर्डर इंटर करते हैं तो आपको बताते हैं कि वहाँ पे इमिग्रेशन कैसा रहा है, सवाल जवाब क्या करते हैं, क्या कुछ होता है क्या नहीं, सारा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। फाइनली जी मोयाले में पहुंचा हूं, यहां से आगे किनिया बॉर्डर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इन लोगों में सबर नहीं है यार, गाड़ी रुकी ना तब ये भागना शुरू कर, दूसरे लोगों को गुजरने देना ही, बस पहले भागना इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी, फाइनली हम लोग पहुंच आए हैं जी। गाड़ी से अभी उतरे हैं, आगे एक मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जाके नमाज पढ़ते हैं और थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद हम आगे कीनिया में जाएंगे। मुझे इस सिटी में ज़्यादातर सूडान के लोग नज़र आए, ज़्यादातर यहाँ पे मुस्लिम और सूडान के लोग नज़र आए यहाँ पे। ये देखिए जैसी बीबी बैठी हुई, ज़्यादातर यहाँ पे मुसलमान है। ये मोयाले शहर है, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आगे कीनिया का बॉर्डर है। आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे ना इस कंट्री में हर सूबों के भी अपने अपने झंडे हैं। जैसे अगर सूबे की पुलिस आपको रोकेगी ना, तो उसका जो झंडा होगा वर्दी के ऊपर वो इथोपिया का नहीं होगा, उसके अपने सूबे का होगा। जबकि जो फेडरल पुलिस होती है उसके ऊपर जो झंडा लगा होता है वो सिर्फ इथोपिया का होगा। ये इस तरह का हिसाब किताब है भाई। यहाँ पे आपको काफी मुसलमान औरतें भी मिल जाएंगी, पेट्रोल बेच रही हैं। यहाँ पे काफी मुस्लिम है यार, बहुत मुस्लिम। ये बेचारी औरतें यहाँ पे पेट्रोल बेच रही हैं। ये सूडान से इधर आई हैं कन्फ्लिक्ट की वजह से, यहाँ पे हालात सही नहीं चल रहे। यहाँ पे बच्चे औरतें काफी सूडान वाले यहाँ पे बॉर्डर एरिया में मिल जाएंगे। ये देखिए सब सूडान से। ये जी यहाँ पे मस्जिद है, काफी बड़ी मस्जिद है यार, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हम नमाज पढ़, यहाँ पे देखें बारी बारी लोग आ रहे हैं और अलग अलग जमात हो रही है। मतलब एक दफा लोग पढ़ के जा रहे हैं, जो दोबारा आ रहे हैं वो भी दोबारा जमात करवा रहे हैं जी। तो मैंने नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे बैक साइड पे वाशरूम है, पानी बहुत दूर से लेके आते हैं, तो वो जो सफाई सुथराई करने वाले होते हैं ना, वो 10-10 बीर लेते हैं हर बंदे का। तो मैं गया तो मैंने उसको ना डॉलर थमा दिए। मैंने कहा यार मेरे पास डॉलर है, मकामी करेंसी ख़त्म हो गई। तो उसने पूछा कि कहाँ से हो, तो मैंने कहा पाकिस्तान से हूँ। कहता मुसलमान हो, मैंने कहा हाँ जी। उसने मुझे मेरे डॉलर वापस कर दिए, कहता नहीं चले जाता। मैंने कहा हैं, कहता नहीं मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, आप पाकिस्तानी मुस्लिम भाई हो हमारे। तो भाई उसने नहीं लिए। फिर मैंने ये सामान रखा है, तो मैं जितनी देर नमाज़ पढ़ता रहा यहाँ मकामी लोग उसके पास खड़े रहे मेरा ख्याल करने के लिए सामान का। इतने अच्छे लोग हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं मुसलमानों से मिलता हूँ, बेहद खुशी होती है। अभी कीनिया बॉर्डर की तरफ निकलते हैं, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर है दूर, ज़्यादा दूर नहीं। अभी ये जो भाई जा रहे हैं, मैंने उनके बड़ा वीडियो नहीं बनाई, वो मेरे पास आए, हाल अहवाल पूछा और कहा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मैंने कहा नहीं। यहाँ पे ये सारे भाई सूडान वाले हैं, ये देखे। अरे बोल रहा था कि ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है इथोपिया की, ये जो मुसलमानों की, और बहुत बड़ी जामे मस्जिद है। मैं इस टाइम जहाँ पर मौजूद हूँ आप देख सकते हैं, ये चेक करें। ये मुस्लिम भाई थे मस्जिद के अंदर, हमने उससे पूछा है मुस्लिम रेस्टोरेंट का, तो वो कहता है मेरे साथ आ जाओ मैं आपको ले जाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं होटल का पता करने, फिर इंशाल्लाह भी वापस आते हैं जब अपना सामान मेरे अंदर ही पड़ा है मस्जिद में। भाई रेस्टोरेंट मैंने देख लिया, वापस मस्जिद में जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई वो एक मुस्लिम होटल देखा था, रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे तो खाना मिला नहीं, वो फुल हो गया, आई मीन फिनिश हो गया। एक और बंदे से पूछा तो वो हमें साथ लेके जा रहा है कि आओ
होटल पे ले जाता हूँ, और जो इमिग्रेशन का टाइम हुआ 6 बजे तक इमिग्रेशन खुला रहता है। तो अभी अल्लाह करे कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। कल यार $500 मैंने गवा दिया यार। अरे अभी रेस्टोरेंट में आए हैं, ठीक है, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें साथ लेके जाएगा। नो इंग्लिश You're offering coffee? Coffee. Oh. Okay, thank you. Hamasa ke naalam. Thank you, sir. भाई हम मुस्लिम रेस्टोरेंट में आ गए, ठीक है, हमने उनको मीट एंड राइस ऑर्डर किया। यहाँ पे ना तो वो हमारा पाकिस्तान वाला रोटी शोटी मिलती है और ना स्पाइसी मिलता, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो तालिबानों ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया ना, उसमें स्पाइसी वाला कोई मसला ही नहीं है भाई, सब कुछ चल जाता है, कोई मसला ही नहीं किसी किस्म का भी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खा सकते हैं। तो अभी टाइम लगेगा, बाकी इमिग्रेशन का जो टाइम है वो 4 बजे का है। आई होप कि सारा कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। ये जी हमारी डिश आ गई, जिसमें चिकन इंक्लूड है, उन्होंने ब्रेड रोटी टाइप लगाया और उसके अंदर अंदर उन्होंने कीमा करके गोश्त लगा दिया है जी। चेक करें यार, वीडियो ये भाई जो है ये भी यूट्यूबर है जी। ओके, लेट मी गिव यू माय चैनल। ओके, मोहना थैंक यू मैन। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। Okay. So you can also subscribe me. Okay. Do you have Instagram? Also do message. Instagram mein I can. Assalam alaikum nazreen. To khair finally hum log jo hai na khana wagaira humne kha liya hai. Theek hai. Khana bhai bada behtareen tha. Bahut hi zabardast. Abhi yahan se nikalne lage hain. Yaar inme ek cheez thi jo meat tha na, inhone usko khaas pakaya hua nahi tha. Matlab kaccha bhi nahi tha, lekin halka sa boiled tha, jo khane mein bahut zyada problem hota hai. Dikkat ka samna karna pad raha hai. Ye samne board lagaya ji, thanks. विजिट अगेन। यहाँ से नरोबी 750 है जी, मोयाले पहुँच आए हैं जी, और सामने ही वो तो बिल्कुल करीब उस तरफ वो बॉर्डर रहा यार, ये तो बहुत करीब है यार किनिया का बॉर्डर, ये तो बिल्कुल सामने है यार किनिया का बॉर्डर। ये सामने इस तरफ ये रिक्शे रहे जी, वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो बॉर्डर है जी, बॉर्डर क्रॉसिंग है। अभी आगे हम इमिग्रेशन पे जाएंगे, अपना पासपोर्ट वीज़ा वगैरह चेक करवाएंगे, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन से सवाल होते हैं, क्या कुछ इमिग्रेशन पे पूछते हैं, आगे में एंट्री कैसे मिल रही है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। पहले भी थोड़ा बहुत बाय लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन अफ्रीका की जो बाय लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग है ये भाई पहली दफ़ा हो रही है, पता नहीं अब कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा रह गया मेरा यहाँ पे, एंड थोड़ा सा बुरा हुआ, $500 का नुकसान हो गया, वो गायब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, शायद इसमें बेहतरी हो। अभी एंट्री कर दें जी सामने, ये देखिए जी सामने बॉर्डर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो फाइनली जो हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है जी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग जो है वो इथोपिया से कीनिया में इंटर हो रहे हैं। अच्छा, आपको पता है जो यहाँ के मकामी लोग हैं ना, जो कीनिया वाले हैं, इथोपिया वाले हैं, वो बगैर वीज़ा पासपोर्ट बगैर एंट्री के एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हैं, और इन दोनों मुल्कों का इत्तेफाक देखो कि भाईजान जो एक एग्जिट दोनों कंट्रीज़ का जो इमिग्रेशन है ना, वो एक ही बिल्डिंग में है। एक तरफ शीशे के साथ कंप्यूटर लगा के कीनिया वाले बैठे हुए हैं, इस तरफ शीशे के साथ कंप्यूटर लगा के बैठे हुए इथोपिया वाले आपस में बातें शाते कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में दोनों, सेम शीशा, सेम सारा कुछ। उसने एग्जिट की स्टैंप लगाई, सेम पासपोर्ट पे उसने एंट्री की लगा दी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या यहाँ पे। भाईजान सही वाला खज्जल किया, उसने कहा आप पाकिस्तानी हो, मैंने कहा, उसने कहा जाके बैठ जाओ। वो मेरे पास आया, उसने हमारा पासपोर्ट ले लिया, कहते हैं कि आपके ऐसे पाकिस्तानी कीनिया में आ जाते हैं और कई कई साल रहते हैं, जाते ही नहीं हैं, ठीक है, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हम टूरिस्ट हैं, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हैं, हमने यहाँ पे रह के क्या करना। तो फिर कहते चलो बैठो यहाँ पे, हम बैठ गए, फिर गया हमारा वीज़ा चेक किया, फिर बोलता जाओ कीनिया वाले से वीज़ा चेक कराओ, फिर हमने कीनिया वाले से वीज़ा चेक करवाया। दोनों कंट्री से जब वीज़ा चेक हो गया, फिर एक फॉर्म दिया, फॉर्म फिल किया सभी का, फिर हमारे वीज़ा पासपोर्ट ले लिए, बैठ कहते जाओ बैठे रहो। काफ़ी देर कहता किधर किधर जा रहे हो, मुझसे उसने पूछा तुम अफगानिस्तान में क्या करने गए थे, मैंने कहा अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसियों के पास क्या करने जाते, घूमने फिरने जाते। तो फिर उसने पूछा, बीबी थी, फिर उसने पूछा कि अफगानिस्तान में औरतों का क्या हाल है, वो तो बाहर नहीं निकलने देते तालिबान। मैंने कहा नहीं, उधर बहुत अमन है, अब तो कोई मसला ही नहीं है। तो उसने कहा कि औरतों को तो बाहर नहीं निकलने देते। मैंने कहा बच्चियाँ स्कूल जाती हैं 6th क्लास तक, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं जाने देते। उन्होंने कहा फिर औरतें घर में क्या करती हैं। अब मामला गर्म हो रहा था, तो मैंने उसको उसके साथ थोड़ा मजाक किया, मैंने कहा औरतों ने क्या करना, दिन रात बच्चे पैदा करती हैं घर में। फिर वो लड़की हंसने लगी, कहती चलो ठीक है। जब मैंने उसको कहा कि बच्चे पैदा करती है घर में बैठ बैठ के अफगानी औरतें, फिर हंसने लग गई, कहती ठीक है बैठ जाओ। फिर उसने मेरे, अच्छा मेरा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा था 15 दिन पहले का, इंटरनेट पे ऑन इशू हो चुका था, लेकिन उसने दोबारा स्टिकर वीज़ा लगा दिया और उसके ऊपर नई डेट डाल दी, ये 8 से शुरू हुआ है, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज़ का एक ही वीज़ा लगाया है। वीज़ा लगाने के बाद फिर हमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट के रूम में ले गए, वहाँ पर जाके हमारी पिक्चरें ली,
और एंट्री करके हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया और हमें बोला कि आप जा सकते हो, वेलकम टू केनिया। फिर हम गए केनिया पे जाके अपना सामान चेक करवाने, तो मोबाइलों पे यार ये टिकटॉक, हर बंदा टिकटॉक चला के बैठा, सारे ऑफिसर, किसी की कोई तवज्जो नहीं है, यहाँ पे कोई स्टाफ कोई कुछ नहीं है भाई। तो उसने एक और टिकटॉक साथ देख रहा था, एंड फ्री लगा के साथ उसने मेरा पासपोर्ट चेक किया। आप अंदाजा लगाओ ये इमिग्रेशन ऑफिसर के हालात है। उस पे गया कस्टम वालों के पास, केनिया कस्टम वालों ने टिकटॉक पे वो भी लगे हुए थे, इतना क्रेज है टिकटॉक का ना भाई, वो भी टिकटॉक पे लगे हुए थे। उन्होंने पासपोर्ट चेक ही नहीं किया और कहा चले जाओ बस यहाँ से, कोई मसला नहीं, जाओ। सामान उन्होंने चेक ही नहीं किया, बोलते जाओ। अभी यहाँ से सिम लेते हैं भाई, सुना है एयरटेल की सिम जो वो सबसे अच्छी है। और यहाँ पे देखो आपको लोग घेर लेते हैं, देखो यहाँ पे सारे लोग घेरने वाले हैं। तो अभी हम खुद जाके सिम लेंगे और बस टिकट करवाएंगे, सुबह जाके हम नैरोबी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ये देखें हम केनिया में इंटर हुए ना, तो हमें सबसे पहले मदीना सिटी की मस्जिद नबवी की तस्वीर दिखाई दी। ये देखें यार माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारे करेंसी एक्सचेंज वाले जी यहाँ पे रुके हुए हैं। ये देखें ये ब्लैक मार्केट है भाई, लेकिन हम बैंक में जाके करवाएंगे। एंड वन अनदर थिंग, कैन आई गेट एयरटेल सिम? एयरटेल सिम ओके, Safaricom is good or Airtel is good? Airtel is quite slow. Safaricom is working in the whole places or the Airtel will work on? Safaricom everywhere. Safaricom is everywhere. यार ये देखे मेरे पीछे सारा रेगड़ जो है ना भेड़ों का, वो मेरे पीछे चल पड़ा। ठीक है यहाँ तो अभी करेंसी चेंज कराने जा रहे हैं, बैंक तो बंद है भाई, बैंक रेट पे तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ये देखो सारे एजेंट लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, वाले यहाँ के नहीं है। तो भाई अभी वो एक पीछे एक बंदा था, उसने मुझे बोला था कि आपको मैं ना जो है 135 में दे दूंगा, अभी मैं उसी के पास जा रहा हूँ। यहाँ पे करेंसी चेंज करवाने लगा, ये लड़का जो ना मेरे हाथ से पैसे छीन रहा है भाई, मतलब आपके हाथ से पैसे तो ये छीन लेते हैं भाई। मैंने अभी जेब में डाल लिए जल्दी से, अभी यहाँ से कुछ और करवाने लगा। लेकिन यार ये बड़े अजीब लोग हैं भाई, ये देखो धमका रहा है यार, कैसा बिहेवियर इन लोगों का यार। कहता मुझे इसका कोई डर नहीं है। ये देखो भाई मेरे साथ तस्वीरें ले रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। ओ ये देखो यार, वो देखो अनदर थिंग, अनदर वन। ये देखो यार वो हाथ से छीन रहा है भाई पैसे। यार ये देखो यार कैसे लोग हैं भाई, पैसे नहीं छोड़ते भाई, हाथ से छीन रहा है, खुली बदमाशी की नहीं हमें यार। इतना तो थोपिया में कोई नहीं करता जितना ये लोग कर रहे हैं। मैन नो नो, आई हैव हैंड मैन, डोंट फॉरगेट या दैट वाज अरशद शरीफ नॉट शबीर अहमद। हाँ शरीफ था जिनको आपने मार दिया, ये शबीर अहमद है। यू आर क्रिमिनल, ऑल कंट्रीज नो मैन, बिकॉज वी नो व्हाट यू डिड विद अरशद शरीफ, या वी नो दैट। कॉल द पुलिस नाउ, निकलो। उसने पत्थर उठा लिया भाई, और उसने ईंट उठा ली। भाई लड़ाई हो गई वहां पे, अजीब एक्सपीरियंस है यार केनिया में। यू हैव सिम? सिम एयरटेल सिम? यू हैव? यार वी हैव द पासपोर्ट। ये लड़का फिर भी हमारे पीछे भाई, अभी बीबी से सिम का पूछा है। यू विल नॉट गिव मी सिम ऑन दिस पासपोर्ट? ओके थैंक यू। फ्रॉम वेयर वी कैन बाय अ सिम? व्हिच सिम? एयरटेल। कम बाय फॉर यू, कम। यू डोंट नो? कम बाय फॉर यू, फॉर यू। गुड बस। आई डोंट वांट टू गो। यार ये अजीब लोग हैं यार, अजीब खलबली मच गई यार। ऐसे तो इथियोपिया में एंट्री नहीं हुई जैसे केनिया में हो रही, सो वियर्ड एक्सपीरियंस यार। वो व्हाइट शर्ट वाला भी हमारे पीछे है यार। हेलो सर, हाउ आर यू? एक्चुअली आई वांट टू बाय एयरटेल सिम। फॉलो देम, दे विल चार्ज फॉर सिम। सलाम अबाद।
Hello. I want to buy a SIM for who wants to go Nairobi. Nairobi bus ticket. Anani, this bus is going there. Mabruk, how can you book also? No. Want to book now? Yeah. No, I want to book now. Aye, okay, go to book now. Okay? Which man? They all are scammer. They all are scammer. They are doing scamming with us. Okay. Now that's why we don't follow them. Don't want to follow them. But if you help me. Please leave us, man. यार ये जबरदस्ती अपनी सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे. They all are scammer. I'm not going anywhere. Go, 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 man, go. ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो. बहुत वेयर्ड एक्सपीरियंस था हमारा आज का मैन. अजीब लोग हैं यार, ऐसे इथियोपिया वालों ने नहीं किया हमारे जैसे ये लोग कर रहे हैं. आई एम रिगार्डिंग माई सेल्फ नॉट यू. तो अभी जो है ना सिम लेने के लिए जा रहे हैं भाई, लेकिन अजीबो गरीब से लोग हैं भाई, अजीबो गरीब से यार. क्या किया इन्होंने अर्शद शरीफ के साथ यार. यार यहाँ पे ना आपको मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा मिल जाएगी. मुस्लिम औरतें बापर्दा होकर यहाँ पे बेच रही हैं चीज़ें हैं. मुस्लिम मर्द ज़्यादा मिल जाएंगे. ये देखिए ये जो सामने मेरे जा रहा है मुस्लिम है. ओके यहाँ से मैं सिम ले रहा हूँ. तो ये लोग भी प्रॉपर स्कैमिंग कर रहे हैं. 500 की पहले दे रहे थे, अभी 300 में आ गया है. ये भी रजिस्ट्रेशन के 200 मांग रहे थे. मैंने कहा रजिस्ट्रेशन तो फीस फ्री होती है. फिर मांग के मान गए, कहते चले ठीक है भाई. सिम मिल गई अभी बात निकलने वाली, लेकिन थोड़ा बहुत स्कैम हो गया, ज्यादा नहीं हुआ. और बाकी ऑल ओवर काम ठीक रहा. आई एम गोइंग फॉर टू टेक द बस. चलो तो भाई जल्दी जल्दी पहुंचे हैं. भाई जो है गाली देने लग गए यहाँ पे. बुजुर्ग हैं अब क्या कह सकते हैं, गाली तो उन्होंने दे ली मुझे. भाई जो उन्होंने हमें सीटें दी हैं ना, वो देखो उसके ऊपर ये स्टैंड लिख दिया है कि आप लोगों की सीट नहीं, आप खड़े होकर जाएं. लेकिन ये भी बस की कंडक्टर की मेहरबानी है, उसने ये फटे फुटे पे हमें एडजस्ट कर दिया साइड पे, ये फ्रंट पे. भाई बहुत ही वेयर्ड एक्सपीरियंस है यार यहाँ की ट्रांसपोर्ट का, कुछ अच्छा नहीं हो रहा यार. एक्सपीरियंस यार ये देखें यार, ये चेक पोस्ट पर रुके हुए ये सामने पुलिस वाले हमसे रिश्वत ले रहे हैं. सर इट्स ओके लाइक 200 थैंक यू सर, थैंक यू. ने अभी रिश्वत दी है केन्या की पुलिस को. मैंने वीडियो भी बनाई, मैं आपको दिखाऊंगा. जो हम हैरान हूँ, उन्होंने सरेआम हमसे रिश्वत मांगी, उन्होंने फीस दो रजिस्ट्रेशन की. फिर एक लड़का आया, मैंने बोला कितनी, कहता 1500 शिलिंग. उस लड़का आया कहता नहीं 100 शिलिंग दे दो, कहता नहीं 100 नहीं लूँगा. फिर मैंने 200 शिलिंग दे दिया, कहते ठीक है जाओ. यार इतनी रिश्वत चलती है यार यहाँ पे. सच्ची कहते हैं ये लोग जो है ना पैसे के लिए बंदा भी मार देते हैं, जैसे अर्शद शरीफ. ओए होए होए भाई, अभी चेक पोस्ट पे रुके हुए हैं जी. रिश्वत हमने दे दी है पुलिस को, उन्होंने डायरेक्ट ही मांग ली थी रिश्वत. में तो इसने पंजाब पुलिस को पीछे छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है भाई पंजाब पुलिस इनके साथ. अभी यहाँ पे वजू के लिए पानी लेने लगे सभी. अभी यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया नमाज का. ये बोतलें लेके यहाँ से पानी लेंगे, सभी लोग ले रहे हैं, हम भी लेंगे यहाँ से. भाई जान बोतल पानी की पड़ी हुई है, हमने क्या करने जा रहे हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत. पता है नाजरीन, बहुत खतरनाक जंगल है. मैं पानी की बोतल लेके और प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए इतना दूर आया हूँ, और गाड़ी पता है कितना दूर खड़ी है हमारी. ये अफ्रीका का सारा सराब है भाई, केन्या का बहुत ही खतरनाक साइड है. देखो बड़े काउंटे. अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी यहाँ पे जमात हो गई है जी. इमाम साहब ने जमात कराई, बाकियों ने पीछे नमाज पढ़ी है. भाई जान बहुत बुरा हाल था, यकीन करो. अभी तक पैंट हाथों उंगलियों में कांटे चुभे हुए हैं. एडे एडे मोटे कंडे ना अफ्रीका, तो एडे एडे लम्बे यार. ये देखो अभी चुभ रहे हैं यार पैंट के अंदर. गुजरना बहुत मुश्किल है जंगलों के अंदर से यार. बड़ा अजीब एक्सपीरियंस है यार, अल्लाह खैर क्या कर सकते हैं. ट्रैवल के लिए ये सब करना पड़ता है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर अभी ये गाड़ी यहाँ पे रुकी है. सारा डेजर्ट वाला इलाका है जी केन्या में हम रुके हुए. यहाँ से मैंने बोतल जूस वगैरह इस तरह की चीज़ें ली हैं. तो एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप जहाँ भी जाते हैं जिधर भी जाते हैं ना, तो ये गोप्रो की स्क्रीन टूट गई है. यहाँ पे जिधर भी जाते हैं ना आपको माशाल्लाह से मुसलमान दिखाई देंगे, हर जगह मुसलमान. ये देखिए मुसलमान ही मुसलमान, और दुकानों पर भी मुसलमान है यार. दिल खुश हो जाता है यार, कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं भाई.
अभी आगे जा रहे हैं सारी रात का सफर यार, इतनी ज्यादा चेक पोस्ट है हर जगह पे, उतार के चेक करते हैं कि गाड़ी चल ही नहीं पाती, थोड़ा सा सफर करते फिर चेक पोस्ट आ जाती, नींद भी नहीं आ रही। अभी रात के बजे हैं जी तीन, और हम रोड पे ये देखे सब वही लोग खड़े हैं, बस गाड़ी में खड़ी थी यहाँ पे खड़ी मेरे पीछे आस पास ही होंगे, यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट में लोग बाहर निकाल रहे हैं, सारे लोग निकाल रहे सर हमें, लेकिन रात 3 बजे यार इतनी ज़्यादा चेक पोस्टें हैं, इतनी ज़्यादा चेक पोस्टें हैं, हर 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक चेक पोस्ट आ जाती, तकरीबन 10-11 चेक पोस्टें हो चुकी हैं, सारा सामान जो है वो था कि बाहर लाना सकता है, ये मेरे पीछे गए सारा सामान उठा के बाहर लेके आए, भाई ना लेकिन खुराक अच्छा था, मजाक वगैरह करते रहे लेकिन मजाक उड़ाते भी रहे, मतलब इसको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, लेकिन ठीक ही रह गया। उसने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान और कीनिया में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान की करेंसी तो बहुत डाउन हो रही है, वो मैंने कहा तो उसने कहा कि कोई अपने साथ लड़की लेके आते ताकि मुझसे शादी कर सकते, मैंने कहा सर मुझे पाकिस्तान से नहीं मिली, मैं तो खुद यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, अगर आप कुछ जानते तो बता दो, तो चुप हो गया। उसके साथ एक लेडी ऑफिसर थी, मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे कहती डोंट लुक एट मी आई एम ओल्डर देन यू, मेरी तरफ मत देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये सीन हो गया भाई, चेक पोस्टों से जान छुड़ा के अभी फाइनली यहाँ उतर गए। बस तेरे पता है क्या होता है, जब आर्मी की चेक पोस्ट होती है ना वहाँ उतरना पड़ता है, लेकिन जो पुलिस वाली होती है ना उसके लिए उन्होंने ना ड्राइवर के अपोजिट साइड यानी सामने वाली साथ वाली सीट पे ना एक कंडक्टर बिठाया होता है, उसके हाथ में ना चेन दिया होता है, वो गाड़ी से हाथ बाहर निकाल के ना बाहर पुलिस वाले को पैसे देता है, पुलिस वाले पकड़ के ना आगे सब बैरियर हटा देते हैं और गाड़ी गुजर जाती है, हर चेक पोस्ट पे यही होता है, रिश्वत नहीं देके गाड़ी वहां से गुजारते। अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है वहां पे आया हूँ, तकरीबन रात के टाइम हो चुका है 3:30-4 बज चुके हैं, कुछ हल्का फुल्का चाय वगैरह पीता हूँ यहाँ से, देखता हूँ रूटीन वाइज जो भी मिल जाए, फिर बाकी गाड़ी में चल के सो जाते हैं। मैं जी एक रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ और यहाँ पे हमारी चाय आ गई, और मजे की बात यहाँ पे भी इसको चाय ही बोलते हैं, और ये दूध वाली चाय है, पत्ती थोड़ी कम है यहाँ पे, और माशाल्लाह आपको पीछे तिलावत की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, यहाँ पे सारे मुसलमान हैं भाई। यार सुबह हो गई है यहाँ पे और सर्दी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है आउटसाइड, जो कि थोड़ी थोड़ी विंडो खुली हुई है उसलिए अंदाज़ा हो रहा है, और बारिश भी काफ़ी बाहर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो फाइनली जो है मैं नैरोबी कीनिया में पहुंच आया हूं जी, ये पीछे हमारी गाड़ी रही जिसने हमें यहां पे उतारा है, और अभी एक एड्रेस है मेरे पास वहां पे जाने लगा हूं, एक सब्सक्राइबर भाई हैं पाकिस्तान से हैं, तो बेसिकली वो सियालकोट से हैं, यहां पे उनका शोरूम है, स्पेशली उन्होंने कॉल की थी तो मैंने कहा चलो उनके पास आ जाते हैं, अभी यहां से कोई अबर राइड या इस तरह कोई पकड़ते हैं और पहुँचते हैं जी। बाकी कीनिया इतना ख़ास मुझे डिवेल्प ये नैरोबी डिवेल्प नज़र नहीं आया, यानी अगर आप पाकिस्तान से कम्पीट करें इसको तो ये आपको एक एवरेज सिटी मिलेगा, हमारा फैसलाबाद भी इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, लाहौर भी इस्लामाबाद भी, तो मुझे इसका कोई मुतबादल नज़र नहीं आया आपको ये ज़्यादातर। मैं एक एग्जांपल दूं, जब पिशावर वाले वो समझ जाएंगे, जैसे हमारी कारखाना मार्केट नहीं ये उस तरह का एरिया, लेकिन कारखाना मार्केट का तो रोड भी अच्छा है, मेट्रो है ये वो सारा कुछ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा एरिया है। जो मेन दूसरे रोड थे ना भाई वहाँ पर ज़्यादातर आपको गंद मिल दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे काफ़ी मुस्लिम लोग आपको मिल जाएंगे आराम से ना, तो अबर वगैरह यहाँ पे काम करती है, हम थोड़े साइड पे होते हैं, अबर यहाँ पे करते हैं बुक जी, ओके आ जाओ, आई थिंक वी शैल गो देयर ऑन द चेयर्स, अभी जो है ना चेयर पे जाके बैठते हैं और फिर अबर राइड वगैरह बुक करवाते हैं। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह तिलावत चली हुई है, वरना दूसरे सिटीज़ में आपको ऐसा नहीं मिलता, दूसरे कंट्रीज़ में लाइक इथियोपिया में थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था हमारा। ये भाई देखें यार ये कितने अच्छे हैं, ये हालांकि मकामी लेकिन मुसलमान होने की वजह से ये खुद
हैं टैक्सी वाले, लेकिन मैंने अबर करवाई है तो इसने उस अबर के साथ बात करके उसको सारा एड्रेस समझा दिया और ये मुझे कह रहा था कि नो प्रॉब्लम यू आर माय ब्रदर, थैंक यू सो मच मैन, यू आर सो गुड बिकॉज़ यू आर मुस्लिम, आई रियली अप्रिशिएट यू अब्दुल्ला ने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट डे हुबा, मैंने ना अबर कर दिया लंके, ये खुद टैक्सी ड्राइवर है, ये 1000 मांग रहा था, अबर हमें 400 में पड़ रही थी, तो सारी बात है वहीं पे जाना था हमने, लेकिन ये बंदा बहुत अच्छा निकला यार, मतलब इसके पास वो बाइक है यार, तो बाइक में तो हम नहीं जा सकते ना, टैक्सी नहीं थी इसके पास, दिस इज योर बाइक दैट वन, yeah it's looking so good man, yeah because you are from Ethiopia yeah from Ethiopia, it's like 10 years in which city of Ethiopia you live there, Ethiopia because of the political case, oh who? Political case there, you came here, yeah this in Kenya 10 years, oh now followed my case in Kenya, is like Kenya is safe for you, yeah for a Muslim, Muslim. Ethiopia is not safe, a lot of Muslim here, Ethiopia is not safe for Muslim, yeah oh in Ethiopia everywhere is alcohol. I don't drink. Everywhere, like whenever you go, girls come, touch you, hug you, like this. Everyone is there, club. Yeah. So nonsense. Forbiddance. Yeah. तो भाई कह रहे कि मैं Ethiopia का हूँ लेकिन छोड़ के यहाँ पे आके मैं यहाँ पे रह रहा हूँ. Okay. Thank you so much, man. Thank you so much. I love you. Thank you so much. Okay. Thank you so much. अभी अबर हमने की है वो थोड़ी देर में आ जाएगी, तो जो हमारा एड्रेस है इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचते हैं, सबसे पहले तो भाई शायद नींद ही पूरी करें हम लोग, चलें अभी इस व्लॉग को वहाँ पहुँच के एंड करेंगे ताकि आपको थोड़ा अराउंड भी दिखा देंगे. भाई ये देखें ये अपार्टमेंट है, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आज हम सोने वाले हैं भाई, यहाँ पे पूरा एक अपार्टमेंट ही है, अभी वहाँ पे जाने वाले, चेक करो भाई, कभी सोचा था यहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं, यहाँ पे लिफ्ट है ये 5 फ्लोर पे हमें जाना, इतना तो बदला आता है यार, तुम एडे भी जाए ना समझो. खैर फाइनली लिफ्ट में आ गए, चेक करिए जैबरे बने हुए हैं क्या आप, आपकी जा रही है, बकरियां शकरियां फिर दिया.